हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज योगेश सिंह एंड यू आर वाचिंग इंडियन टूरिस्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइना टाउन के बारे में। और चाइना टाउन में भी, चाइना टाउन हर कंट्री में होता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना टाउन सिंगापुर के बारे में। इसके अलावा एक और लोकेशन का वीडियो है, वो आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ही वो पता चलेगा वो कितनी लग्जरी जगह है। और वहां पे अगर सिंगापुर जा रहे हैं तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। तो वो कौन सी लोकेशन है, उसके लिए सस्पेंस बनाए रखते हैं और आप देखते रहिए लास्ट तक ये वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही मैं नेशनल और इंटरनेशनल लोकेशंस के वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल है वो भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी डिले के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ मैं चाइना टाउन सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर का चाइना टाउन है उससे मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं वहां पे जब गया तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के था। वहां पे स्पेशली अगर आप शाम के टाइम पे जा रहे हो तो वहां पे लाइटिंग इतनी अच्छी होती है और इतना अच्छा माहौल वहां पे होता है चाइना टाउन में कि आपके लिए वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। वहां पे हम गए तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता होगा, या सबसे जरूरी चीज, आप कहीं भी अलग लोकेशन पे जाते होंगे तो आपके दिमाग में ये होता होगा कि कहाँ ऐसी कौन सी जगह है सिटी में जहां से मैं सोवेनियर्स खरीद सकूं, कुछ ऐसी यादगार चीजें खरीद सकूं इस शहर की जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और जो भी लोग हैं जिनको मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं बाहर जा रहा हूं तो कुछ उनके लिए लेके आऊं, तो वो ऐसी कौन सी सस्ती चीज है और अच्छी रेट में कुछ बेटर गिफ्ट टाइप मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं सिंगापुर पे तो ये प्लेस आपके लिए इस चीज के लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। चाइना टाउन में जा रहे हो तो आप जो मेन लोकेशन है, जो टूरिस्ट लोकेशन है, वहां से अगर कुछ खरीदते हो तो वो ऑब्वियसली महंगा मिलता है वहां पे, लेकिन वही चीज अगर आप यहाँ से खरीद रहे हो चाइना टाउन से तो वो बहुत ही कम दाम में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हाफ रेट में वहां पे मिल सकती हैं आपको। तो अगर आप ऐसा कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ चाइना टाउन से लीजिए। इसके अलावा भी वहां पे जो व्यू था, वहां का जो नजारा था, वहां पे जो शो हो रहे थे, कॉन्सर्ट हो रहे थे, वहां की जो लोकेशन थी, आसपास की जो सजावट थी वो कितनी अच्छी है, मैं बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप खुद ही देखिए और जज कीजिए कि वो चीज़ कितनी ब्यूटीफुल थी। और अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और दूसरा जो मेरा जरूरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जाएं तो आप शाम के टाइम पे ही जाएं जब लाइटिंग ऑन हो जाए, क्योंकि वो उसकी जो ब्यूटी है, उसकी खूबसूरती है जगह की, उसको 4 times बढ़ा देती है। तो चलिए देखिए चाइना टाउन। Thank you.
चाइनाटाउन के बाद मैं जो बात करने वाला था, मैंने आपको बताया एक और लोकेशन के बारे में बताऊंगा मैं इस वीडियो के एंड में। तो जो दूसरी लोकेशन इसके पास में ही है, जो जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है क्लार्क क्वे। है एक बहुत ही बड़ा, एक तरह से मॉल टाइप का कह सकते हैं, एक लग्जरी लोकेशन है यहाँ पे सिंगापुर में, जहाँ पे आप देखें तो ही बेटर है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, वहाँ पे चीज़ें खरीदना चाहेंगे, वहाँ पे खाना खाना चाहेंगे, डिनर करना चाहेंगे, तो उसकी कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि वो एक तरह का ऐसा मॉल है खुद से बनाया हुआ आर्टिफिशियल, जिसके अंदर ही आपको बोटिंग का भी एक्सपीरियंस मिल सकता है। वहाँ पे अंदर ही एक काइंड ऑफ रिवर बनाई हुई है जिसपे बोटिंग भी होती है, और वहाँ का एक्सपीरियंस है, वहाँ का नज़ारा है, वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। रेट्स हैं वहाँ पे नॉर्मल, सिंगापुर एक तो ऑलरेडी वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली यहाँ पे आओगे तो और लोकेशंस की कंपैरिजन में यहाँ पे आपको रेट्स हैं वो 3-4 times मिलेंगी। तो यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पे केवल देख के चले जाएं, एक्सपीरियंस लेना है कुछ तो उसके लिए आपका बजट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये लोकेशन कितनी अच्छी थी, कितनी एग्जॉटिक लोकेशन थी, यहाँ का एक मैं टूर आपको करवा देता हूँ, तो आपको अगर जाएं तो एटलीस्ट आप वहाँ पे विजिट करके ज़रूर आ जाएं। देखिए ये क्लार्क क्वे देखने में कैसा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको कमेंट करके नीचे मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, और आप नेक्स्ट मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस जगह के बारे में आप वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी मुझे, जो भी आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है, फेवरेट लोकेशन है, वो भी मुझे कॉमेंट करके आप नीचे बताइए। तो और अगर आप यहाँ पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी ट्रैवल में जिनका इंटरेस्टिंग है, आई एक्सपेक्ट कि हर किसी को ट्रैवलिंग पसंद होती है, हर किसी को नई लोकेशंस देखना पसंद होता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे तो भी उनको भी एक तरह से एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और वो भी जो सोचते हैं कि बाहर ट्रैवल करना या फिर इंडिया में भी महंगी महंगी जगह पे जाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो माइंडसेट से भी वो बाहर आ सकें और ट्रैवलिंग का मज़ा उठा सकें, क्योंकि ये एक लाइफ है, और एक लाइफ में आप जितना ज़्यादा दुनिया देखोगे, जितने ज़्यादा नए एक्सपीरियंसेस लोगे, वो आपकी लाइफ को और ज़्यादा आपको हम्बल बनाता है, वो और ज़्यादा नए कल्चर के बारे में आपको सिखाता है ना, कि दूसरी जगह पे चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो आपके लिए और कल्चर के लिए रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें होंगी, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी लोकेशन के साथ, नए किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग।